जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सेट 6, जो GSK के फाइनल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने ये फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है किस प्रकार का ब्रश है। तो सभी लड़के जानते हैं इसको एंगल ब्रश या दूसरा नाम डॉगलेस ब्रश, दोनों में से कोई ब्रश बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 में बोल रहा है कि जो नंबर 4 है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये जो नंबर 4 है एंकर में, तो मैं एंकर का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, जाकर आप चैप्टर देखिए, एंकर का सर्च मारिए आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों आर्म। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्म। सबका एक एक पार्ट मैंने एंकर का बताया, कितना टाइप का होता है, कैसे एंकर काम करता है, सारा चीज़। नंबर 3 क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 3 क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन यू स्मेल समथिंग बर्निंग इन योर केबिन योर फर्स्ट एक्शन शुड बी। बोल रहा है कि आपके केबिन में, जो जहाज़ में आपको केबिन मिलता है, अगर उसमें कुछ जलने का स्मेल आता है, सुगंध, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग वेकेंट द केबिन एंड राइज द अलार्म। सबसे पहले केबिन से भागेंगे और जाकर अलार्म को बजाएंगे। ठीक है, नंबर 4, इपार्ब मीन्स एन इक्विपमेंट। जो इपार्ब होता है वो कौन इक्विपमेंट है, वो क्या काम करता है? तो व्हेन द स्यूचर ट्रांसमिट पोजीशन एंड आइडेंटिफाई द वेसल। थोड़ा हम लड़कों से, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते हैं कितने लड़के इपार्ब का फुल फॉर्म बताते हैं। तो जिन लड़कों को इपार्ब का फुल फॉर्म पता है, वो कमेंट बॉक्स में इसका पूरा नाम लिखें। इपार्ब जो दोस्तों क्या करता है, तो ये स्विच ऑन करने पर ट्रांसमिट करता है पोजीशन और आइडेंटिटी ऑफ द वेसल। ये बता देता है कि ये किस जहाज़ है और ये किस इसका लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है। ठीक है, नंबर 5, विच फ्लैग विल बी होस्टेड बिफोर द वेसल इज रेडी टू सेल एंड द सिग्नल ऑल पर्सन रिपोर्ट टू द ड्यूटी। कहने का मतलब है, कौन सा फ्लैग हम होस्ट करेंगे जब जहाज़ हमारी हार्बर से यानी पोर्ट से रवाना होने वाली होगी? तो पापा फ्लैग रिलीज करते हैं, होस्टेड करते हैं, होस्ट। नंबर सिक्स सबसे पीछे वाला है जहाज़ का रस्सी। ये बोल रहा है कि जो नंबर 6 से इस 6 वाले रस्सी को क्या बोलते हैं? तो इसको स्टर्न लाइन या स्टर्न रोप बोलते हैं, सबसे पीछे वाले रोप को। ठीक, हर एक चैप्टर, हर एक GSK MEK का एक एक चैप्टर मैंने थ्योरेटिकली पढ़ाया है, जाकर आप वीडियो देखें GSK ऑनलाइन क्लासेस में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नंबर 7, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ द बेस्ट अवे फॉर मेकिंग ए टम्पोररी आई इन द एंड ऑफ द रोप। बोल रहा है कि टम्पोररी आई बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है रोप में? तो ये आपका पता होगा कि बो लाइन का यूज किया जाता है। आप लोग तो बो लाइन हमेशा बनाना इंस्ट्रक्टर सर आपको सिखाई होंगे। बोल रहा है इन चारों फिगर में कौन सा जेमिंग हिच है? तो ये जेमिंग हिच है। ठीक है, ये तो टिम्बर हिच हो गया, ये आपका क्लोब हिच हो गया, ये आपका कौन सा है, और ये आपका हाफ हिच हो गया, ये क्लोब हिच हो गया। तो जेमिंग हिच ऊपर वाला ही। नंबर 9, रिंगिंग द इमरजेंसी टोइंग अरेंजमेंट फोर एंड हाफ व्हेन द अलोंग साइड इज मैंडेटरी। बोल रहा है कि इमरजेंसी टोइंग लाइन किस जहाज़ में आगे और पीछे लगाया जाता है। ठीक है, तो टैंकर में। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि टैंकर में क्यों लगाया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर बंकरिंग कर रहे हैं या कार्गो डिस्चार्जिंग कर रहे हैं और एक पर एक उसमें आग लग गई, तो इस सिचुएशन में पूरा पोर्ट क्या हो जाएगा? तो पूरा पोर्ट में ब्लास्ट होने की संभावना है। तो इमरजेंसी टोइंग लाइन होता है वो क्या करता है? तो जहाज़ को खींच के लेके जाता है। ठीक है, जेटी से बाहर। अब आ जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, द क्रेन कंट्रोलर आर प्लेस इन द। बोल रहा है कि जो क्रेन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी उसमें होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो कहाँ होते हैं? तो ड्राइवर के केबिन में होते हैं, जहाँ से ड्राइवर क्रेन को ऑपरेट करता है। नंबर 11, देखिए दोस्तों, हम लोग हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम में आप समझते हैं कि इंग्लिश हम लोग कमज़ोर होती है, तो हम लोग का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रॉन्ग होगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, मेज द वर्ड लाइव बॉय विद द मोस्ट सुटेबल एंसर। लाइव बॉय में क्या होना चाहिए? तो बॉयंट हैविंग लाइन, यानी लाइव बॉय में लाइन होगा, हैविंग लाइन यानी रस्सी, तभी ना हम किसी को पकड़ के खींचेंगे। नंबर 12, ब्लॉक आर ग्रीस्ड। बोल रहा है कि जो हम जहाज़ पर ब्लॉक यूज़ करते हैं उसमें ग्रीस क्यों लगाया जाता है? ताकि अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ द शिव, ताकि उसमें फ्री रोटेशन हो शिव के लिए। क्या ये हम लोग का सही है? नंबर 13, ऑन ए हैंडलेड लाइन मैंने समझते हैं क्या होता है, ये जहाज़ के सेलो वाटर के मापने के लिए यूज होता है।
डेप्थ ऑन 30 मीटर फेदम इज द डेनोटेड बाई द विच ऑफ द फ्लोइंग। तो उसमें हम लोग ब्लू सर्ज का उपयोग होता है, 30 मीटर जब आएगा तो उसमें ब्लू सर्ज आएगा हैविंग हैंडलेड लाइन में। केयरलेस हाउस कीपिंग कैन बी रिजल्ट ऑफ, बोल रहा है कि अगर आपका हाउस कीपिंग केयरलेस होगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा, तो एक्सीडेंट होगा, इंजरी होगा एंड जहाज पर फायर भी हो सकता है। तो सोच समझ अब आ जाते हैं हम दोस्तों नंबर 15 पर। द एल्डिस लैम्प यूज फॉर कम्युनिकेशन इज, एल्डिस लैम्प का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों, तो मोर्स कोड के लिए एल्डिस लैम्प का यूज हम लोग करते हैं। नंबर 16, द ब्लिप फ्रॉम द शॉट आर डिस्प्ले ऑन द, जो शॉट में ब्लिप आता है वो कितना सेंटीमीटर रहेगा तो ब्लिप आ जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर के रडार में आएगा तो ब्लिप आना शुरू कर देगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ 3 सेंटीमीटर सही है सही है। बल कार्गो डिस्चार्जिंग कार्गो विद द ग्रेप्स, देखिएगा जो बल कैरियर होता है, बल कैरियर में एक हाथी के सूंड की तरह जाता है और उसको उठाकर अनाज को लगता है, तो जो हाथी के सूंड की तरह जाता है ना उसी को बोलते हैं ग्रेप्स। नंबर 18, व्हेन द शिप इज डिस्चार्जिंग द ब्लास्ट टैंकर इज कॉल्ड डी ब्लास्टेड कहलाता है ना भाई। देखिए शिप में से पानी जब जहाज पे ऐड करेंगे तो ब्लास्टिंग, और जब डिस्चार्जिंग करेंगे तो उसको डी ब्लास्टिंग कहते हैं। 19, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप आर यूज फॉर, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर जो होता है वो क्या होता है, तो 6×37 होता है। देखिए एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल वाई प्रो और ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, याद रख लीजिएगा। अपॉक्सी पेंट कंसिस्ट ऑफ द बाइडनर एंड हाइडनर में यूज़ किया जाता है। 21, कंपनसेशन बेनिफिट फॉर द सीमेन इज द लिस्टेड इन द, कौन होता है, तो कलेक्टिंग बार्गेनिंग एग्रीमेंट में ये चीज़ें लिस्टेड होती हैं। 22, इंटर कार्डिनल पॉइंट सबको पता है कि क्या होगा, तो ये वाली होंगे दो दो वाली इंटर कार्डिनल। हाउस फ्लैग इज़ द फ्लैग ऑफ शिपिंग कंपनी फ्लैग, देखिए ये सर्वेयर हम लोग को जब पूछा था कि बताओ हाउस फ्लैग क्या होता है, तो सारे के सारे लड़कों ने बोला था कि हाउस फ्लैग कंपनी फ्लैग है, हाउस फ्लैग कंपनी फ्लैग है, सबको एक तरफ बैठा दिया था। ठीक है, सबको एक तरफ, याद रखिएगा हाउस फ्लैग सिर्फ कंपनी फ्लैग नहीं है, बोलना पड़ेगा शिपिंग कंपनी फ्लैग है। क्यों शिपिंग कंपनी फ्लैग है दोस्तों, क्योंकि कंपनी तो बहुत सारी होती है, कपड़ा बनाने की कंपनी, जहाज़ बनाने की कंपनी, दाल चावल बनाने की कंपनी, लेकिन कौन सी कंपनी, तो शिपिंग कंपनी की। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा, ठीक है, सिर्फ कंपनी मत बोलिएगा, शिपिंग कंपनी बोलिएगा। 24, मेज द वर्ड डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो जब हमने आपको डेड वेट पढ़ाया था थ्योरी में तो आपको बताया था हमने कि डेड वेट और लाइट वेट, यानी जहाज़ का खाली वेट और उसमें लदा हुआ सामान के पूरे वेट को ही क्या बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब जाकर देखिए आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 25 पर, मेज द वर्ड डिस्प्लेसमेंट, वही हो जाएगा डेड वेट विज द प्लस लाइट वेट। 26, नंबर ऑफ लाइव बॉय ऑन द शिप डिपेंड ऑन द लेंथ, लेंथ पर डिपेंड करता है जहाज के कि कितना उस पर लाइव बॉय रखना चाहिए। द मैग्नेटिक कंपास हेडिंग वर्किंग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द शिप पावर बस, मैंने कहने का मतलब है कि जहाज पर अगर पावर भी नहीं रहे तभी भी मैग्नेट कंपास यूज़ कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट। द नंबर ऑफ रॉकेट पैराशूट इन द बोर्ड, रॉकेट पैराशूट बोर्ड में कितना होता है, तो दोस्तों 4 पीस होता है। नंबर 29, वॉच कीपर विल बी ग्रांटेड रेस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द STCW कन्वेंशन के तहत उसको ग्रांटेड रेस्ट मिलना चाहिए। नंबर 30, व्हेन अ वेसल आर द साइट ऑफ अनदर 3 शॉट ब्लास्ट, तो आई एम कमिंग स्टर्न टू द इंजन, वो बोल रहा है कि वो स्टर्न से इंजन की तरफ आपके आ रहा है। द कोर्स ऑफ द शिप इज एंट्री एवरी वॉच इन द डेक लॉग बुक, जितने भी जहाज का कोर्स होता है वो सब डेक लॉग बुक में लिखा जाता है। कोर्स का मतलब होता है रूट, जहाज किस रूट से जा रही है। सेफ्टी हेलमेट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द हेड फ्रॉम द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई सामान ऊपर से गिरेगा तो सेफ्टी हेलमेट पहनेंगे तो उसको क्या करेगा, बचाएगा। तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से ही ना गिरेगा, नीचे से थोड़ी गिरेगा। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज द मोर देन सेफ वर्किंग लोड, ठीक है। नंबर 34, आफ्टर चीपिंग द रस्ट फ्रॉम द स्टील सरफेस शुड बी वायर ब्रश्ड क्लीन एंड पेंटेड बाय द प्राइमर,
कहने का मतलब है कि डेक पर अगर आप रस्ट को निकालते हैं, उसको पूरा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद उस पर पेंट थोड़ी चढ़ाएंगे। सबसे पहले उस पर हम लोग क्या चढ़ाएंगे, प्राइमर चढ़ाएंगे, उसके बाद ना पेंट करेंगे। नंबर 35 GMDSS, देख रहे हैं कितने लड़कों को पूरा नाम पता है GMDSS का। अगर जिन लड़कों को GMDSS का फुल फॉर्म पता है प्लीज़ कॉमेंट करें, ठीक है। अब देखिए, फॉर डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए और सेफ्टी मैनेजमेंट में होता है। नंबर 36 मेज द वर्ड फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड हो जाएगा मैक्सिमम समर लोड लाइन, ठीक है, वहाँ तक हम लोड करके ले जा सकते हैं। लोड लाइन मार्क में हमने पूरा पढ़ा दिया जा करते किया। ड्यूटी ऑफ हेल्पमैन डूज नॉट इंक्लूडिंग वॉच कीपिंग द कंपास ऑन द हेडिंग स्टेयरिंग द सीप एंड रिक्वायर कीपिंग लुक आउट ऑन द हैंड स्टेयरिंग, नहीं। देखिए, अगर वो स्टेयरिंग को हैंडल करेगा तो लुक आउट कैसे करेगा, तो कीपिंग द लुक आउट व्हेन द हैंड स्टेयरिंग, हैंड स्टेयरिंग करेगा तो लुक आउट नहीं कर सकता। 38 कंपास बियरिंग 45 डिग्री, देखिए कह रहा है कि अगर कंपास का बियरिंग 45 डिग्री है तो यहाँ पर 45 डिग्री यहीं पर आएगा ना, तो यहाँ पर नॉर्थ होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ईस्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री किसके बीच में आएगा, नॉर्थ ईस्ट, या बियरिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यानी नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट बायोलॉजिकल हजार्ड, तो माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज द नॉट बायोलॉजिकल हजार्ड, ये तो इलेक्ट्रॉनिकल है। वाट कैन हैपन वाइल वर्किंग द ऑयली सर्फेस, ऑयली सर्फेस पर हम गिरेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, स्प्रेन हो जाएगा यानी मोच आएगी। ये क्या है दोस्तों, टिम्बर हिच है, पिछली वीडियो में मैंने भी आपको बताया था और दिखाया भी था कि टिम्बर हिच है। और ये देखिए, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है ब्लॉक चैप्टर में, तो जाके देखिए। नंबर 5 में ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका नंबर 5 में बकेट है, एक एक चीज़ मैंने आपको बताया इसमें। डबल हल टैंक क्या करता है, तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का काम करता है डबल हल टैंक, जितना पॉल्यूशन होता है सब जाकर उसी में जमा हो जाता है। फेस मास्क किस किस चीज़ से प्रोटेक्शन करता है, तो आपका नोज माउथ और फेंस तीनों चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। हेज कवर कैन बी ऑफ लिफ्ट ऑन, लिफ्ट ऑन भी होता है, फोल्डिंग भी होता है, साइड ओपनिंग भी होता है, यानी सभी चीज़ें हेज कवर में होता है। वेसल इज स्टेयरिंग 240 डिग्री विद द कंपास डेविएशन 3 डिग्री, देखिए कहने का मतलब है जब डेविएशन बोलता है तो घटाया जाता है और जब वेरिएशन बोलता है तो जोड़ा जाता है, तो 240 में डिविएशन कर रहा है तो 247 बचा, और उसमें 1 डिग्री वेरिएशन बोल रहा है तो 1 डिग्री जोड़ देंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 44, सॉरी ये कितना हो जाएगा, क्या हम भी घटाए यार, 240 में से 3 डिग्री घटा देंगे तो 200 क्या हो जाएगा, 37, और उसमें 1 डिग्री जोड़ देंगे तो हो जाएगा 238, यानी नंबर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट। देखिए डेविएशन जहाँ भी बोले, डेविएशन का मतलब होता है घटेगा और वेरिएशन का मतलब होगा बढ़ेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज द फॉल, इसमें कौन सा ऑप्शन फॉल है, तो टग बोर्ड आर यूज टू द ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल, टग बोर्ड ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ी यूज किया जाता है, वो तो जहाज को पुलिंग करने के लिए किया जाता है। आइडेंटिफाई द नंबर 2, नंबर 2 क्या है भाई, तो ये क्रेन का कुछ पार्ट लग रहा है, तो ये क्रेन का केबिन ही है, जीप तो है नहीं सकता, तो क्रेन केबिन हो गया। बिफोर वर्किंग द स्टेज, स्टेज पर वर्क करते समय, स्टेज माने नाचने वाला स्टेज नहीं, एक स्टेज होता है पट्टा लकड़ी का, उस पर आप लटक कर उस पर बैठ कर काम करते हैं, तो उसमें आप वर्किंग करते समय क्या इंस्पेक्शन करेंगे उसमें, तो हम यही देखेंगे कि वुड इज़ इंटेक्ट एंड फ्री फ्रॉम द ग्रीस, जो हमारा वुड है वो अच्छा होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए और उस पर कोई ऑयल गिरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्लिप करेंगे हम। नंबर 50 बिफोर वर्किंग, वही बात बोल दिया है। फिनिश द हेल्प मीन्स, फिनिश द हेल्प मीन्स का मतलब हुआ कि हेल्प इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, देखिए इसमें ऑप्शन देगा ऑटो पायलट, क्योंकि पिछले वीडियो में भी ऑटो पायलट दे दिया था, तो कुछ ऑप्शन इसमें गलत भी है। बियरिंग ऑन द स्टार बोर्ड बाउ इज़ द अपोजिट ऑफ द पोर्ट क्वार्टर, ठीक है, यह हम आपको पढ़ाए भी थे ए बी बनाकर कि ए बी नेविगेशन वॉच कैसे करेगा। वेन द टग इज़ पुलिंग द शिप क्रू शुड बी, अगर मान लीजिए कि एक टग बोर्ड है और एक जहाज़ को रस्सी द्वारा टग बोर्ड खींच रही है, तो जितने भी क्रू हैं उनको क्या करना चाहिए, तो रस्सी से दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर रस्सी टूटेगी तो सत्यानाश कर देगी सब आदमी का, तो कैप वेल क्लियर ऑफ द टग रोप, ठीक है। नंबर 45 बिफोर लिफ्टिंग ए लाइव बोर्ड फ्रॉम द वाटर इज द मोस्ट सुटेबल, बोल रहा है कि एक लाइव बोर्ड को पानी में लोअर करते समय क्या चीज़ें उसमें देखेंगे,
तो फॉल वायर क्लियर एंड द हुक सिक्योर, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे जो उसका वायर क्लियर होना चाहिए और हुक उसका सिक्योर होना चाहिए। विच ऑफ द मोस्ट लाइकली सिचुएशन वेयर द फ्रैक्चर ऑफ द बोन ऑन द ओकर, तो क्या होगा भाई, फॉल फ्रॉम द हाइट, अगर ज़्यादा हाइट से गिरेंगे तभी तो हमारा बोन फ्रैक्चर होगा। समथिंग ड्यूरिंग द फायर फाइटिंग इज एक्सी बाई द, बोल रहा है कि फायर फाइटिंग हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो हम लोग कटिंग कॉन्टेक्ट विद द एयर, एयर से हम लोग फायर का कनेक्शन काट देते हैं तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो फायर बुझ जाता है। नेम द नंबर फाइव, ये क्या है, तो चैन है, यानी चैन नहीं है, एंकर चैन है, नंबर फाइव इसमें दिया हुआ है, ये क्या है, एंकर चैन। ए वेसल स्टेयरिंग कोर्स ऑफ 09 degree ट्रू फ्रॉम द ग्रीनविच मेडिटेरियन विद द मोल इफेक्टिव, तो इंक्रीज द स्टर्नली लॉन्गिट्यूड स्टेडली इंक्रीज, यही तो होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इनकेडिंग नंबर तीन, ये क्या है, हेज कवर है, नंबर थ्री ये आपको दिखाई दे रहा है, नहीं मेरे को तो साफ लग रहा है कि ये हेज कवर है, हेज कवर। नंबर दो, नंबर दो क्या है, तो ये आपका शेकल है, ऊपर ये नंबर दो आपका शेकल है, जाकर आप देखिए, इस पर प्रॉपर वीडियो मैंने बना दिया एक एक चीज़ का, एंकर का। विच ऑफ द फ्लोइंग एज द वेसल इज द रॉन्ग, कंटेनर शिप कैरी ए स्क्रेप मेटल एज द कंटेनर कार्गो, कंटेनर शिप इलेक्ट्रॉनिक एज, यही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इन इलेक्ट्रॉन कंटेनर कार्गो। केबल लेंथ इज नॉटिकल, एक केबल लेंथ बराबर 1/10 होता है, तो 1/10 ऑफ द नॉटिकल, सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना स्कोर हुआ हम लोग का, व्यू स्कोर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का दो क्वेश्चन गलत हो गया, देखते हैं कौन दो क्वेश्चन हम लोग का गलत है। When the ship is discharging, the ballast tank is called ballasting. Ballasting थोड़ी होगा, एडिट कहेगा तब ना ब्लास्टिंग होगा। आप लोग भी कॉमेंट कीजिएगा क्या ये गलत है। देखिए फेनिस विल द मीन्स मीन्स हेलम इन द नो लॉन्गर रिक्वायर्ड होता है, इसमें दिया हुआ है चेंज ओवर द ऑटो पायलट। चलिए यही दो क्वेश्चन गलत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं उसे सुधारूं, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना पहुंचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है, गाइडेंस लेना है, तो व्हाट्सएप पर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।